नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लेब असिस्टेंट के जो 3 फरवरी 2019 को पेपर हुआ उसके क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, मैं इसके बाद में एक ऑफिशियल जब एंसर की राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जारी कर देगा तो दोस्तों मैं उस पर भी आपको वीडियो बना दूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपको कोई भी क्वेश्चन का गलत आंसर नहीं बताना चाहता। जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो मैं ज़रूर उस पर एक वीडियो अलग से बना दूंगा, आप उसे भी देख सकते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों शेयर कीजिए, धन्यवाद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं जीके के क्वेश्चन से दोस्तों। पहला क्वेश्चन, सही युग में सुमेलित कीजिए। ऑप्शन सा एजसनाथ जी, शीतला माता, जाम्बू जी और जीनवाता, और उनके सामने है रेवासा, सिक्कर, चाकसु, जयपुर, मुकाम, नौका, कतरिया, सर, बीकानेर। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? आपके ऑप्शन से नाथद्वारा, उदयपुर, बूंदी या जोधपुर। संत पीर साहल जी और तुक नगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी? ख्याल भारमली, चांद, नीलगिरी, तुरा, कलंगी ख्याल या फिर मिया मंगल। निम्न में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सही सुमेलित है? दोस्तों, एकलिंग जी मंदिर, माउंट आबू सूर्य मंदिर, उदयपुर, देलवाड़ा मंदिर, ओशिया या करनी माता मंदिर देश। नौ पांचवा क्वेश्चन, राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री कौन था? आपके ऑप्शन है हरविलास, शारदा, बालकृष्ण, कोल हरिवा उपाध्याय या हीरालाल शास्त्री। छठा क्वेश्चन, निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? दोस्तों, अली बेग, कुशाल सिंह, जय दयाल या फिर हीरालाल। सातवां क्वेश्चन, वीर सतसई, बल विद्विलास और राम राजकंठ के रख कौन है? दोस्तों, श्यामलदास, सूर्यमल मिश्रण, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा या फिर जगदीश सिंह गहलोत। आठवां क्वेश्चन, बागौर भीलवाड़ा जिले की किस नदी के कंठे पर स्थित है? ऑप्शन लूणी, बनास, कोठार या फिर चंबल नदी। मेनाल में सुहेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? दोस्तों, ऑप्शन ये रहे विग्रहराज फोर, अपरांग ने यह पृथ्वीराज सेकंड या फिर विग्रहराज थर्ड। दोस्तों, दसवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? आपके ऑप्शन ये रहे संबोली अभिलेख, घटियाला अभिलेख, बीजापुर अभिलेख या अर्थुना अभिलेख। ग्यारहवां क्वेश्चन, इनमें से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे? आमेर के भारमल, जैसलमेर के रावल हरदाय या रणथंबोर के राव सुरजन हाडा या फिर बीकानेर के राव कल्याणवल। 12वां क्वेश्चन, हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या था? दोस्तों, रतन मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर या फिर प्रताप मंदिर। 13वां क्वेश्चन, अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान आया था? दोस्तों, 1816, 1893, 1856 या 1888। 14वां क्वेश्चन, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, राम नारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, मोतीलाल पटेल या हरिभा उपाध्याय। 15वां क्वेश्चन, भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? राजस्थान सेवा संघ, भोगीलाल पंड्या, भूरेलाल भैया या गुरु गोविंद गिरी। 16वां क्वेश्चन, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? दोस्तों, ऑप्शंस भरतपुर, करौली, धौलपुर या अलवर। 17वां क्वेश्चन, वहीं 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त करने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा भून दी गई है किस जिले की थी? दोस्तों, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या जैसलमेर। 18वां क्वेश्चन, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन सी थी? दोस्तों, नगेंद्र बाला, अंजना देवी चौधरी, रतन शास्त्री या रमा देवी पांडा। राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों, ऑप्शन बटनेर का किला, घाघरौन का किला, रणथंबोर का किला या फिर चौहमगढ़ या चंद बावड़ी कहाँ स्थित है? 20वां क्वेश्चन, आमेर, सिक्कर, आभानेरी या तिलवाड़ा। 21वां क्वेश्चन, राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरुमंडली में सम्मिलित हुए थे? दोस्तों, ऑप्शन धनाजी, जम्बोजी, पिपाजी या रेदास। 22वां क्वेश्चन, लोक देवता गोगाजी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं? ऑप्शन दोस्तों खेजड़ी, पिपल, बरगद या फिर नीम। 23वां क्वेश्चन, दोस्तों कुदरत सिंह को किस हस्तकला में महारत के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया? दोस्तों, ऑप्शन कपड़े की छपाई, मीनाकारी कला, पित्तर पर मुरादबादी काम या फिर ब्लू पोटरी। दोस्तों, 24वां क्वेश्चन, मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थानी चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? ऑप्शन दोस्तों जयपुर, बूंदी, अलवर या फिर उदयपुर। 25वां क्वेश्चन, दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती है? दोस्तों, ऑप्शन मेवाती, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी या फिर मारवाड़ी। 26वां क्वेश्चन, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान राज्य के पंजीकृत वन क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत अंश आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आता है? दोस्तों, ऑप्शंस 38.11, 55.64, 6.25 या 4.84। दोस्तों, 27वां क्वेश्चन, शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? 12 उदयपुर, जयपुर या बीकानेर। 28वां क्वेश्चन, आदिवासियों के 28वां क्वेश्चन, दोस्तों आदिवासी के हरे सोने के नाम से जाने जाने वाला वृक्ष कौन सा? दोस्तों, सालर, धोकड़ा, बांस या गुल्लर। 29वां क्वेश्चन, दोस्तों ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, 16 दिसंबर को, 16 जनवरी को या 16 जून को? दोस्तों, 30वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है? नाइट्रेट, पारासिसा या लोहा। दोस्तों, 31वां क्वेश्चन, राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? क्षेत्रफल 50%, जनसंख्या 50%, क्षेत्रफल 61%, जनसंख्या 40%, क्षेत्रफल 70%, जनसंख्या 60% या क्षेत्रफल 70%, जनसंख्या 70%।
से। दोस्तों 32वां क्वेश्चन, राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमेलस डोमेड्रियस या फिर कैमेलस बैक्टीरियस, कैमेलस डेजिएटिस या फिर कैमेलस यूरोपा। दोस्तों 33वां क्वेश्चन, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था? दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना या फिर पांचवीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों 34वां क्वेश्चन, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना स्थित है बूंदी में, कोटा में, डूंगरपुर में या बांसवाड़ा में। दोस्तों 35वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हनुमानगढ़ व चुरू जिलों के लिए जल का स्रोत है? कंवर सेन लिफ्ट नहर, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर या पोखरण लिफ्ट नहर। दोस्तों 36वां क्वेश्चन, दोस्तों निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक राजस्थान में अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है? NH89, NH79, NH59 या फिर NH69। 37वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है? दोस्तों आपके ऑप्शन ये रहे, फेलस्पार, लिग्नाइट, तांबा या फिर लोहा। 38वां क्वेश्चन, दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन ये रहे दोस्तों, अलवर, सांबी, रूपारेल, उदयपुर, बनास, बेड़च, करौली, जागर, गंभीर या फिर डूंगरपुर, वाणगंगा, मोरेल। दोस्तों 39वां क्वेश्चन, कोपेन वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए? दोस्तों AWBSHW या फिर BWHWCWJ। दोस्तों 40वां क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? दोस्तों ऑप्शन ये रहे, बाड़मेर, जयपुर, जैसलमेर या बांसवाड़ा। 41वां क्वेश्चन, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है? एरिडोसोल्स एवं एंटीसोल्स या एरिडोसोल्स एवं एफ्लिसोल्स या इनसेटिप्लोसस या फिर वर्टिसोल्स एंड एल्फिसोल्स। दोस्तों 42वां क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार राजस्थान में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए चयनित जिलों की संख्या कितनी है? दोस्तों 22, 23, 24 या फिर 25। 43वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी भी कहलाती है? दोस्तों बनास, चंबल, कोठारी या बाणगंगा। 44वां क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? जोधपुर, गंगानगर, बूंदी या सिरोही। 45वां क्वेश्चन, दोस्तों रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार कहाँ है? हिंदुमलकोट, गंगानगर से बाकासार, बाड़मेर तक, कोणागांव, गंगानगर से सागर, जालौर तक, हिंदुमलकोट, गंगानगर से सागर, जालौर तक या कोणागांव, गंगानगर से बाकातर, बाड़मेर तक। दोस्तों 46वां क्वेश्चन, राजस्थान का देशांतर विस्तार कितना है? 69° 23' पूर्वी से 78° 17' पूर्वी, 69° 30' पूर्वी से 78° 17' पश्चिमी, 69° 30' पश्चिमी से 78° 17' पूर्वी, 69° 30' पश्चिमी से 78° 17' पश्चिमी। शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों 1722 मीटर, 1597 मीटर, 1380 मीटर या 1496 मीटर। 50वां क्वेश्चन, राजस्थान के किन जिलों में कौन से एक जिले में रावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? सीकर, झुंझुनू, जालौर या अलवर। फुलवाड़ी की नाल कहाँ स्थित है? 49वां क्वेश्चन, उदयपुर में, राजसमंद में, कोटा में, बूंदी में। दोस्तों 50वां और जीके का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गगर, मृत नदी, बोराट पठार, नागपाणी, अरावली दर्ग या शेर अरावली चोटी। दोस्तों जीके के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, अब हम बात करते हैं हमारी जीके प्रक्रिया जिसमें एल्कोहल का निर्माण होता है। दोस्तों रसारोहण, प्रकाशन श्लेषण, वायवीय श्वसन या अवायवीय श्वसन। 52वां क्वेश्चन, कनाडा बालसम एक माउंटिंग एजेंट को स्थाई स्लाइड्स के लिए प्रयोग किया जाता है, एक जाति से प्राप्त होता है? दोस्तों ऑप्शन है, एबिस सीड्रस पाइनस या जुपिनेरस। और भूस्त्री क्या होता है? दोस्तों स्तंभ, मूल, भूमिगत स्तंभ या उपवावस्थान्तरित स्तंभ। दो रोजी क्या है? एक ट्रांसजेंडिंग बकरी, एक ट्रांसजेनिक गाय, एक ट्रांसजेनिक भेड़िया फिर एक ट्रांसजेनिक पुष्प। 55वां क्वेश्चन, दोस्तों लीची का खाने योग्य भाग कौन सा? मध्य फल, भित्ति, पुष्पासन, बीज, फोलिया, एरियल। दोस्तों 56वां क्वेश्चन, गेहूं में 100 परागण प्राप्त करने हेतु कितने न्यूनतम अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? 25, 50, 100 या 150। 57वां क्वेश्चन, पूर्ण सशक्तता शब्द किसने प्रतिपादित किया? मॉर्गन, स्वान, डार्विन या फिर हेवरलैंड ने। दोस्तों 58वां क्वेश्चन, साधारणतया मूसला मूल पाई जाती है, आवर्त बीजी, अनावर्त बीजी, एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री। दोस्तों 59वां क्वेश्चन, रोडोफाइसी का संचित उत्पाद क्या? स्टार्च, ग्लाइकोजन, फ्लोरोडिएशन स्टार्च या फिर सेलुलोज। 260वां क्वेश्चन, पोमेला अवस्था पाई जाती है, क्लेमाइडोमोनाज या फिर स्पायरोगायरा या फिर एस्परजिलस या फिर रिस्किया। दोस्तों 61वां क्वेश्चन, सेवा नाशपति का खाने योग्य भाग क्या है? पुष्पासन, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति। 62वां क्वेश्चन, जैविक विविधताओं पर सम्मेलन हेतु प्रथम अर्थ समिट कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग 2002 दक्षिण अफ्रीका, रियो डी जेनेरो 1992, ब्राजील, देहरादून 1992, भारत या न्यूयॉर्क 2000, USA। चाय का लाल किट रो किसके द्वारा होता है? सेवाल, लाल सेवाल, कवक या बुरे सेवाल। 64वां क्वेश्चन, दोस्तों ज्वार के फल को क्या कहते हैं? सिप्सेला, कैरियोपिसिस एकिन या फिर लेक्यूम। शब्द बायोसिनोसिस किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों टेंसले, कार्ल मे, ब्रियस, वर्मिंग या फिर आर्मिश्रा। 66वां क्वेश्चन, दोस्तों जिब्रेलिन को पृथक किया गया था, सेवाल से, कवक से, जीवाणु से या ब्रायोफाइट से। दोस्तों 67वां क्वेश्चन, उपकरण जिसके द्वारा पेड़ के तने का व्यास मापा जाता है उसे क्या कहते हैं? रसकास्ट, अंतःकास्ट, टाइलोसिस या डेंड्रोग्राम। दोस्तों 68वां क्वेश्चन, मानव अपरा द्वारा निष्कासित हार्मोन के संबंध में निम्न में से क्या सही है? दोस्तों एस्ट्रोजन एवं एंड्रोजन या प्लेनेटसल गोनाडोट्रोपिन, एस्ट्रोजन एवं एंड्रोजन, HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन या फिर HCG, प्रोजेस्टेरोन एवं एंड्रोजन। दोस्तों 69वां क्वेश्चन, तंत्रिका आवेग के प्रेषण के समय पुनः ध्वनि ध्रुवण की क्रिया में होता है? K+ आयनों का अंतर्प्रवाह, Na+ आयनों का अंतर्प्रवाह, K+ आयनों का बहिर्प्रवाह, Na+ एवं K+ आयनों का बहिर्प्रवाह। दोस्तों 70वां क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क के लिए कथन का चयन कीजिए जो सही नहीं है। मध्य मस्तिष्क में दो द्रुक पोलियां उपस्थित, कार्प स्केलोसस दो मस्तिष्क के गोलार्धों को जोड़ता है, हाइपो
थेल में एमएस में भूख के केंद्र होते हैं। मेडुला ओब्लॉगेटा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। दोस्तों गोत्रभाग्यूसन विभिन्न तीव्रता की ध्वनि को विभेदीकृत करने के किस भाग द्वारा किया जाता है? सेकुलस, यूट्रिकुलस, आधारीय कला या रेनिसर की कला। दोस्तों गोत्रभाग्यूसन रेखित पेशी के लिए जब यह संकुचित होती है, निम्नलिखित कदों में से कैसे नहीं है? एक पट्टी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता, मायोनिस पट्टी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये पट्टी की लंबाई बनी रहती है, स्कारोमियर छोटा हो जाता है। दोस्तों तेतरभाग्यूसन प्राणी कोशिका में कौन से आरएनए की प्रचुरता होती है? टीआरएनए, आरआरएनए, एमआईआरएनए या फिर एमआरएनए। दोस्तों चौतरभाग्यूसन मेंडल के प्रयोगों में द्विसंकर लक्षणाव्रत अनुपात था। दोस्तों दिया गया आप अनुपात देख सकते हैं, चारों ऑप्शन। दोस्तों 75वां क्वेश्चन, दोस्तों स्तंभ एक में दिए गए सिंड्रोम को स्तंभ दो में दिए गई कैरियोटाइप को मेल करते हुए उत्तर का चयन कीजिए, जो सही नहीं है। दोस्तों आपको ऑप्शन ये आप भी देख सकते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा समूह है समतापी प्राणियों का है? वेल, कबूतर, चमगादड़, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, चमगादड़ या वेल, एलिगेटर, कबूतर या फिर हिमोकैम्पस, चमगादड़ या एलिगेटर। दोस्तों 77वां क्वेश्चन, संघों के नाम युक्त सूची एक की संरचनाओं की सूची दो से मेल करें तथा सही उत्तर का चयन करें। दोस्तों ऑप्शन आप देख ही सकते हैं। उसके बाद में 78वां क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन्स का पाचन नहीं करता? दोस्तों ट्रिप्टिसन, क्राइमोटिसेशन, पेप्सिन या फिर लाइपेस। 279वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? प्लिया, बिल, रोथ, रंजू, सिरो, आलिन गांठ, गट्टी निर्धारक, टिकर पर्दी कटाद, मिट्रल कपाट या थेब्रेसियन कपाट, मानव हृदय को दाएं आलिंद में। 80वां क्वेश्चन, दोस्तों एंड्रोजन का श्रवण करती है सेट्रोली कोशिकाएं, लैंडिंग कोशिकाएं, ट्यूनिका प्रोपिया या सुक्रोनोजेनिक कोशिकाएं। दोस्तों 81वां क्वेश्चन, मनुष्य में जीवाणु रोग कौन सा? टाइफाइड, प्लेग, मलेरिया, टाइफाइड, प्लेग, टाइफस, डिफ्थीरिया, न्यूमोनिया, इन्फ्लुएंजा या फिर प्लेग, मलेरिया, टाइफाइड। दोस्तों 82वां क्वेश्चन, समझात अंगों के सही सेट का चयन कीजिए। मानव के अग्रपाद पक्षी के पंख तथा व्हेल के मीन पंख, मानव के अग्रपाद कीट के पंख तथा पक्षी के पंख, सी ऑप्शन, मानव के अग्रपाद घोड़े के पश्चपद पक्षी के पंख या डी ऑप्शन, मानव के अग्रपाद घोड़े की पूंछ, चमगादड़ के पंख। दोस्तों 83वां क्वेश्चन, संघ एनिलिडा एवं मोलस्का की योजक कड़ी क्या होती है? पेरिपेटस, नियोपिलाइना, काइटन या फिर नोटिलस। दोस्तों 84वां क्वेश्चन, मूंगा सिल्क किस कीट से प्राप्त होता है? फिलोसामिया, रिसिनी, एंथ्रेसिया, आसामा, एंथेरिया, पेफिया या फिर बोम्बिक्स मोराई। दोस्तों 85वां जो क्वेश्चन आपका वो अयंग के एक द्विछिरी प्रयोग में झीरियों के मध्य दूरी 1 mm और पर्दे में झीरियों से दूरी 1 मीटर, 1599 मीटर, तरंग दैर्ध्य के एक वर्णी प्रकाश के लिए तीसरी निम्निष्ट की मध्य उच्चिष्ट से दूरी 0.50 mm, 1.50 mm, 1.50 mm या फिर 1.75 mm। दोस्तों उसके बाद में 86वां क्वेश्चन, ब्रूस्टर का नियम का, आईपी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यू म्यू इज इक्वल टू 10 आईपी, आईपी माइनस आर इज इक्वल टू 10 म्यू, आईपी इज इक्वल टू 10 म्यू, जहां म्यू दोस्तों अपवर्तनांक और आईपी ध्रुवण कोण है। 87वां क्वेश्चन, दोस्तों एकल छिद्र फ्रोन पर विवर्तन में यदि छिद्र की चौड़ाई घटा दी जाए तो निकटवर्ती निष्ठ क्या आएंगे? पास आएंगे, दूर होंगे, अपनी स्थिति पर टिके रहेंगे या पहले पास आएंगे और फिर दूर होंगे? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में वामन श्रेणी के अधिकतम तरंग दैर्ध्य। दोस्तों पूछी गई है 6557 एंगस्ट्रोम, 1216 एंगस्ट्रोम, 4800 एंगस्ट्रोम या 5600 एंगस्ट्रोम। 89वां क्वेश्चन, दोस्तों जब हाइड्रोजन परमाणु प्रथम उत्तेजित स्तर में होता है तो इसकी त्रिज्या मूल अवस्था की त्रिज्या में क्या होती है? बराबर, आधी, दुगुनी या 4 गुना। दोस्तों 90वां क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु की अपनी निम्नतम अवस्था से पहले उत्तेजित अवस्था में आने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होती है? 213.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट, 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट या फिर 12.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। 91वां क्वेश्चन, दोस्तों ड्यूटीरियम नाभिक के बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन से 1.115 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट होती है। इस नाभिक के लिए द्रव्यमान का मान 2.23 म्यू, 0.0024 म्यू, 0.07 म्यू या फिर 0.0012 म्यू। बीटा रेडिएशन में दोस्तों पूछा गया, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है परमाणु के आंतरिक कक्षों से, नाभिक में विद्यमान मुक्त इलेक्ट्रॉन से, नाभिक में न्यूट्रॉन के क्षय से या फिर नाभिक से निकलने वाले फोटोन से। 93वां क्वेश्चन, जब 7-3 अलाई को किसी कण से टक्कर दी जाती है तो अल्फा कण उत्पन्न होते हैं, टकराने वाला कण कौन सा होगा? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण या न्यूट्रॉन। 294वां क्वेश्चन, एक तरंग दृष्टकारी 50 हर्ट्ज मुख्य आवृत्ति पर कार्य कर रहा है, इसके रिपल की मूल आवृत्ति कितनी होगी? 50 हर्ट्ज, 70.7 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज या फिर 50 हर्ट्ज। दोस्तों 95वां क्वेश्चन, परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम और शुद्ध सिलिकॉन आदर्श चालक, अच्छे अर्धचालक, आदर्श अचालक या फिर चालक। दोस्तों दिए हुए चित्र में हमें लॉजिक गेट बताना है, और गेट है, नोट गेट है, नेंद गेट है या फिर एक्सोआर गेट है। दोस्तों 97वां क्वेश्चन, दरवाजों में हैंडल दरवाजों के कब्जों से अधिक दूरी पर भारी किनारे पर लगाई जाती है, इसका क्या कारण है? दोस्तों ऑप्शंस में देख ही सकते हैं। 98वां क्वेश्चन, दोस्तों पूछा गया, दो कणों के निकाय की अवधारणा दीजिए जिसमें एक कण का द्रव्यमान अमूमन व दूसरे का अमूमन, यदि प्रथम कण को द्रव्यमान केंद्र की तरफ डी दूरी से खिसकाया जाए तो दूसरे कण को कितनी दूरी से खिसकाना पड़ेगा जिससे निकाय का द्रव्यमान केंद्र परिवर्तित रहे? डी m2 बटा m1, डी m1, डी अपॉन m1 प्लस m2 या m1 डी अपॉन m2। 299वां क्वेश्चन, एक वृत्ताकार चक्ती जिसकी त्रिज्या 0.5 मीटर एवं द्रव्यमान 25 के अपनी दूरी पर 120 चक्कर प्रति मिनट की रफ्तार से घूर्णन करती है, चक्ती का जड़त्व गुण बताना है। दोस्तों हमें 1.550 किग्रा मीटर स्क्वायर, 3.125 किग्रा मीटर स्क्वायर, 4.125 किग्रा मीटर स्क्वायर या 6.250 किग्रा मीटर स्क्वायर। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन विज्ञान का, किसी गैस के दो नमूने एवं भाई प्रारंभ में एक ही तापक्रम व स्थिर दाब पर है, उन्हें संपीड़ित कर उनका आयतन V से V/2 किया जाता है, ए को समतापी तरीके से व बी को रुद्धोष्म तरीके से संपीड़ित किया गया, एक अंतिम दाब B से अधिक B के बराबर B से कम या B का दुगुना होगा। दोस्तों
101 वां क्वेश्चन, जब किसी गैस पर 20 जूल कार्य किया जाता है तो 40 जूल ऊष्मा ऊर्जा उत्सर्जित होती है। यदि गैस की प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा 70 जूल थी तो इसका अंतिम आंतरिक ऊर्जा क्या है? -150 जूल, 50 जूल, 90 जूल, 110 जूल। 102 वां क्वेश्चन, दोस्तों एक आदर्श ऊष्मा इंजन में कार्नोट चक्रक्रम 227 डिग्री सेंटीग्रेड और 127 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच निष्पादित होता है। उच्च ताप पर यह 10^4 जूल ऊष्मा अवशोषित करता है। ऊष्मा की मात्रा जो कार्य में परिवर्तित होगी 2000 जूल, 4000 जूल, 8000 जूल या 5600 जूल। दोस्तों मैंने भूल कर दी थी कि वो लास्ट क्वेश्चन नहीं था, विज्ञान वर्ग का, यह विज्ञान वर्ग के ही क्वेश्चन है। दो समान ताप के बीच कार्य करने वाले सभी उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन की दक्षताएं दोस्तों बराबर होती है। प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है, दाब पर निर्भर करती है, आयतन पर। दोस्तों 104वां क्वेश्चन, सरलावर्त गति में किस विस्थापन पर गति जुड़ जाता था स्थितिज ऊर्जा समान होती है? दोस्तों ऑप्शन ए x = +a/√2, x = +a/2, x = +a/4, x = +a/5। 105वां क्वेश्चन, एक बच्चा झूले पर झूल रहा है, उसकी जमीन से न्यूनतम अधिकतम ऊंचाई क्रमशः 0.75 मीटर व 2 मीटर, उसकी अधिकतम चाल क्या होगी? 10 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड, 8 मीटर प्रति सेकंड या 15 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों आप देख ही सकते हैं इसमें एक 5 किग्रा का कट्टा, एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग नियतांक 500 न्यूटन प्रति मीटर से जोड़ा गया है। यह एक समतल क्षैतिज सतह पर बिना घर्षण के गति करता है। जैसा चित्र में दर्शाया गया, गट्टे को संतुलित अवस्था से 10 सेमी विस्थापित कर छोड़ा जाता है। दोस्तों गट्टे का दोलन काल बताना है 6.28 सेकंड, 62.8 सेकंड, 0.0628 सेकंड या 0.628 सेकंड। दोस्तों 107वां क्वेश्चन, गैस या माध्यम में ध्वनि की चाल के वर्ग तथा गैस के परम ताप के मध्य में सही संबंध को दर्शाना है। दोस्तों 4 ग्राफ दर्शाए गए हैं। एक ध्वनि स्रोत का वेग, जब एक स्थिर प्रेक्षक को ध्वनि की आवृत्ति दोगुनी महसूस हो तो ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड है। दोस्तों आपको बताना है कौन सा है, 330 मीटर प्रति सेकंड, 165 मीटर प्रति सेकंड, -330 मीटर प्रति सेकंड या -165 मीटर प्रति सेकंड। दो एक समान 109वां क्वेश्चन, दोस्तों दो एक समान नलियों ए व बी में नली ए के दोनों सिरे खुली हुई है, नली बी का एक सिरा बंधा नलियों ए व बी की मूल आवृत्तियों का अनुपात कौन सा? दोस्तों कितना होगा? 1:2, 1:4, 2:1 या 4:1। दोस्तों 110वां क्वेश्चन, एक आवेश क्यू एक घन में परिबद्ध, उसके एक फ्लक्स से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होता है? दोस्तों q/n/6 q/n/6 q/n/q। दोस्तों 111वां क्वेश्चन, 3 आवेश +4qq और कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू एक लंबाई की सीधी रेखा पर क्रम से OL/2 और L दूरी पर स्थित है, क्यू का मान क्या होना चाहिए कि क्यू पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो? -Q -2Q -Q/2 या 4Q। दोस्तों 112वां क्वेश्चन, एक आवेशी तेल की बूंद 3×10^4 वेग प्रति मीटर के समान क्षेत्र में लटकी हुई है, तो नीचे गिरता है, नहीं ऊपर उड़ती है, तेल की बूंद पर आवेश कितना होगा? दोस्तों हमें बताना है, द्रव्यमान दिया गया 3.3×10^-18 कूलम, 3.2×10^-18 कूलम, 1.6×10^-18 कूलम में, 4.8×10^-18 दिए गए परिबद्ध में बिंदु ए बी के बीच। दोस्तों प्रभावी प्रतिरोध बताना है 5 ओम, 10 ओम, 40 ओम या 50 ओम। 114वां क्वेश्चन, दोस्तों एक विभवमापी तार को एक सतत वोल्टेज 3 वोल्ट लगाया जाता है, 1.08 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाला सेल 216 सेमी की लंबाई पर विभवांतर से संतुलित होता है। विभवमापी तार की कुल लंबाई 200 सेमी, 400 सेमी, 600 सेमी, 800 सेमी। दोस्तों 115वां क्वेश्चन, क्या हम तांबे के तार का उपयोग विभवमापी तार के रूप में कर सकते हैं? सही विकल्प चुनना है, नहीं, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता बहुत होती है। हाँ, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता कम होती है। नहीं, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता कम होती है, प्रतिरोध का ताप गुणांक बहुत अधिक होता है। हाँ, क्योंकि इसके प्रतिरोध का ताप गुणांक बहुत अधिक होता है। दोस्तों 116वां क्वेश्चन, विभवमापी वोल्टमीटर की तुलना में विभवांतर अधिक सूक्ष्मता से नापता है, क्योंकि इसका तार कम प्रतिरोध का, इसका तार उच्च प्रतिरोध का, या भारी परिपथ से उच्च धारा लेता है या भारी परिपथ से धारा नहीं लेता। दोस्तों 117वां क्वेश्चन, इंक के द्विस्लिट प्रयोग में यदि पीले प्रकाश के एक वर्णी स्रोत को एक लाल प्रकाश वाले से बदल दिया जाए तो प्रिंट चौड़ाई बढ़ जाएगी, घट जाएगी, प्रवृत्ति रहेगी, गायब हो जाएगी? दोस्तों बोयल के नियम का सही निरूपण किया। दोस्तों हमें चारों ग्राफ में से बताना है सही कौन सा है। 119वां क्वेश्चन, गैसों की गतिज ऊर्जा सिद्धांत के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? गैस सूक्ष्म कणों से मिलकर बनती है, जिसे अणुगति अणु की गति आदर्शी गति अणु के मध्य टक्कर होने पर ऊर्जा की हानि होती है। गैस को गर्म करने पर अणुओं की गति बढ़ जाती है। दोस्तों 120वां क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव की लंबाई क्या होती है? डाइंस प्रति सेमी स्क्वायर, ERgs/sem या जूल मीटर इनवर्स या न्यूटन मीटर इनवर्स। 121वां क्वेश्चन, दोस्तों द्रव्य के प्रवाह के आंतरिक प्रतिरोध को क्या कहते हैं? द्रव्यता विशिष्ट प्रतिरोध, शांतता या पृष्ठ तनाव। दोस्तों 122वां क्वेश्चन, वर्षा की बूंदे गोलाकार आकृति की होती है, इसके कारण पृष्ठ तनाव कैसे का आकर्षण नीचे की ओर गति गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होने वाला त्वरण? दोस्तों 123वां क्वेश्चन, कमरे के ताप पर सोडियम का केंद्रित घनीय जालक में क्रिस्टलीकृत होता है, किसके किनारे की लंबाई a = 4.24 एंगस्ट्रोम में सोडियम का परमाणु बढ़ता है, इससे सैद्धांतिक घनत्व कितना होगा? 1.002 g/cm³, 2.002 g/cm³, 3.002 g/cm³ या 4.002 g/cm³। 124वां क्वेश्चन, किस तरह की त्रुटि में का स्थान में धनायन की उपस्थिति होती है? फ्रेंकल त्रुटि या दोष धातु न्यूनता त्रुटि या दोष आउट की दोष या फिर रिक्ति का दोष। दोस्तों 125वां क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में सोडियम आयन की संभाव्य संख्या कितनी होती है? दोस्तों 3, 4, 6, 8। 126वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी स्थिति पर आदर्श विलयन के लिए सही नहीं है? मिश्रित करने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, मिश्रित करने पर एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, विलेय का आयनीकरण कम होना चाहिए। दोस्तों 127वां क्वेश्चन, 1 मोल NaCl के 1000 ग्राम जल युक्त विलयन में NaCl की मोल भिन्न क्या होती है? 0.0177, 0.001, 0.5 या 0.244। दोस्तों 128वां क्वेश्चन, राउल्ट के नियमानुसार एक विलयन के वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन बराबर होता है विलय के मोल के, विलय के मोलबिन के, विलय के मोल के, विलय के मोलबिन के। दोस्तों 129वां क्वेश्चन, 250 ml 0.1 ml विलयन बनाने के लिए NaOH के कितने ग्राम की आवश्यकता होगी? 1 ग्राम, 10 ग्राम, 4 ग्राम या 6 ग्राम। दोस्तों 130वां क्वेश्चन, हाइपोक्लोरस अम्ल तथा प्रोपाइन की योगात्मक अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेनिल, 1,1-डाइक्लोरोप्रोपेन, 1,1-क्लोरोप्रोपेन या फिर 1-क्लोरोप्रोपेन नीचे दिए गए यौगिकों में उनके घटों में अम्लीय सामर्थ्य के क्रम में दोस्तों व्यवस्थित करता है? हमें 3 यौगिक दिए गए हैं। दोस्तों 132वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से अणुओं की अनुनाद संरचनाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है?
इसकी अणुओं की व्यवस्था समान होती है, इन सभी की ऊर्जा लगभग समान होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, इसमें समान आबंधन होते हैं। 133 ऑक्सीजन एथेन के संतृप्त संरूपण के विषय में सही कदम चुने, ग्रह संरूपण के बराबर स्थायी होते हैं, ग्रह संरूपण से ज्यादा स्थायी होते हैं, ग्रह संरूपण से कम स्थायी होते हैं, अस्तित्व में 134 ऑक्सीजन निम्नलिखित में से सबसे कम अणुभार वाले एल्किन को खोजे जिसमें कम एक चतुष्प कार्बन है, 2,2-डाइमेथिल प्रोपेन, 2,3-डाइमेथिल ब्यूटेन, ब्यूटेन 2-मेथिल ब्यूटेन या प्रोपेन। 235 ऑक्सीजन योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति एथिन और इथाइन की तुलना में बेंजीन की कम क्रियाशीलता कारण 3-पाई बंधों की उपस्थिति, चक्रीय प्रकृति, कार्बन अणुओं का sp2 संग्रहण या इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण। 236 ऑक्सीजन तत्वों CnPs के परमाणु आकार का सही क्रम हमें बताना है। दोस्तों ऑप्शन दिया गया है 137 आधुनिक आवर्त सारणी आवर्त निम्नलिखित में से किसको विभक्त करता है, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विघन की क्वांटम संख्या। 138 ऑक्सीजन दोस्तों उच्चतम इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा वाला तत्व फ्लोरिन, क्लोरिन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। दोस्तों 139 ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरिन और सल्फर और क्लोरीन को विद्युत ऋणात्मकता के बढ़ते हुए क्रम में दर्शाना है। दोस्तों 140 ऑक्सीजन P4 में PP बंधों द्वारा निर्मित कक्षकों में पाई गुण का प्रतिशत 25-33-50 या 75। 141 ऑक्सीजन दोस्तों अंतर हैलोजन यौगिक जो द्विलक संरचना में पाया जाता है, CaF3, ICl3, BrF3, IF3। 142 ऑक्सीजन मानव शरीर में जैविक क्रिया है तो कौन सा पंप महत्वपूर्ण है, कैल्शियम मैग्नीशियम पंप, पोटेशियम फेरस पंप या सोडियम पोटेशियम पंप या फिर FeCl पंप। दोस्तों 143 ऑक्सीजन पूर्णतः वियोजित NH4Cl का वाष्पघनत्व NH4Cl का दुगुना NH4Cl का आधा NH4Cl के समान या दिए गए ठोस NH4Cl की मात्रा से निर्धारित होगा। 144 ऑक्सीजन दोस्तों BF3 की अम्लीयता इनमें से किस सिद्धांत के आधार पर समझा जा सकती है, आरएनए अवधारणा, लुईस अवधारणा, ब्रोंस्टेड लोरी अवधारणा, लुईस तथा ब्रोंस्टेड लोरी अवधारणा दोनों के आधार पर। 145 ऑक्सीजन दोस्तों जल में अम्ल की कुछ मात्रा मिलाने पर अम्ल का आयनीय गुणनफल BH में वृद्धि के साथ परिवर्तित होता है, कमी के साथ परिवर्तित होता है, कोई वृद्धि या शून्य हो जाता है। दोस्तों 146 ऑक्सीजन एक लीटर बफर विलयन में 0.01 NH4Cl तथा NH4Cl तथा 0.1 NH4 है, इसके लिए PKB का मान 5 है। तो दोस्तों pH बतानी है 9, 10, 4 या 6। 147 क्वेश्चन यदि किसी विलयन का pH 5.2 है तो इसका pOH क्या होगा, 4.8, 5.8, 6.8 या फिर 8.8। दोस्तों उसके बाद 150 ऑक्सीजन निम्नलिखित में से कौन सा विलयन बफर के रूप में कार्य करता है, Cl+NaCl+NaOH+HCl+CH3CO+CH3CO+NaCOOH+HCO+NH4। दोस्तों 149 क्वेश्चन की दो गैसों के मिश्रण का कुल दाब क्या होगा, प्रत्येक गैस के आंशिक दाब का योग दोनों गैसों के आंशिक दाब का अंतर दोनों गैसों के आंशिक दाब का गुणनफल या दोनों गैसों के आंशिक दाब का अनुपात। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आपका आदर्श गैस के समीकरण PV बराबर NRT में इनमें से कौन सा R का गणितीय मान नहीं हो सकता, 8.314×10⁻⁷ अर्ग मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स 8.314 पास्कल मीटर क्यूब मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स 8.314 वायुमंडल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। दोस्तों यह आपका पेपर समाप्त होता है। दोस्तों ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए और एग्जाम से जुड़ी हुई सभी एग्जाम से जुड़ी हुई तैयारी के लिए देखते रहिए हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा, मैं हूं ऋतिक बोथरा। धन्यवाद दोस्तों।